नेपाल को लेकर अगर आपका ज्ञान भी कुछ इसी तरह का है तो हैरान होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि 90% भारतीय नेपाल को केवल इन्हीं 3 बातों के कारण ही जानते हैं। लेकिन भारत का ये पड़ोसी देश जो आज दुनिया भर में मशहूर है, उसके पीछे कई अन्य कारण भी हैं जिन्हें आप अब तक नहीं जानते। कुछ ऐसे ही अनोखी बातें जिनके बारे में आपको बिल्कुल ज्ञान नहीं है। शुरुआत करते हैं एक छोटे से टेस्ट के साथ। तो बताइए ना, क्या आपको पता है कि जब हमारा प्यारा भारत अंग्रेजों का गुलाम हुआ करता था, तब नेपाल ही इकलौता ऐसा देश था जो आजाद था। यही कारण है जो आज वहाँ किसी भी तरह का कोई स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया जाता। और क्या आप ये जानते हैं कि दक्षिण एशिया का सबसे पुराना देश अगर कोई माना जाता है तो वो है नेपाल। पर्वत श्रृंखला हिमालय का सबसे ज्यादा हिस्सा नेपाल देश में ही आता है। और क्या कभी नेपाल देश के झंडे की ओर आपका ध्यान गया है? ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसमें 4 कोने नहीं हैं। नेपाल के बारे में ऐसे और भी अनोखे तथ्य हैं जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुने होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नंबर 12, नेपालीज ईट एवरी डे दाल भात। क्या आप जानते हैं कि नेपाल में करीब 55 लाख परिवार रहते हैं, जिनमें से 90% परिवारों का पसंदीदा भोजन दाल भात है। जी हाँ, दाल और चावल जो नेपाल का पसंदीदा भोजन है, और नेपाली लोग इसे बड़े ही चाव से खाते हैं और दूसरों को भी परोसते हैं। ये नाश्ते और रात के खाने का एक इम्पोर्टेंट व्यंजन है जिसे समूचा नेपाली परिवार मिलकर और इसका आनंद लेकर खाते हैं। खैर, आनंद तो आएगा ही दोस्तों, जब प्याज, टमाटर, हरा धनिया और हरी मिर्च का छोका लगाकर दाल और उसके साथ भात खाने को मिले तो आनंद ही नहीं, मेरे मुंह में तो पानी भी आ रहा है। और अब तो ये मन भी कर रहा है कि आज के खाने में दाल भात ही खाया जाए। दोस्तों, आइडिया कैसा है? नंबर 11, कैलेंडर इन नेपाल। क्या आपको पता है कि जिस तरह हमारे देश भारत में ग्रेगोरियन कैलेंडर का इस्तेमाल होता है, नेपाल देश विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार अपनी प्लानिंग करते हैं। नेपाली कैलेंडर में जनवरी, फरवरी, मार्च नहीं होता, बल्कि नेपाल का नया साल अप्रैल के महीने से स्टार्ट होता है। और ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 14 अप्रैल साल का पहला दिन मनाया जाता है, जिसे बैसाख का पहला दिन कहा जाता है। नेपाली कैलेंडर में 354 दिन ही होते हैं, और वो इसलिए क्योंकि इस कैलेंडर के सभी महीने 29 या फिर 30 दिनों के ही होते हैं, जो चांद के अनुसार तय होते हैं। यही नहीं, विक्रम संवत ग्रेगोरियन कैलेंडर की तुलना में लगभग 57 वर्ष आगे भी है, जिसका मतलब ये हुआ कि साल 2022 विक्रम संवत के अनुसार साल 2079 है। केवल यही नहीं, नेपाल में कुछ जाति और जनजातियां भी हैं जो विक्रम संवत के अनुसार अपना कैलेंडर इस्तेमाल करती हैं। दोस्तों, क्या आज से पहले नेपाल का ये तथ्य आपको पता था? हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 10, द फियरसम गोरखा एट सर्विस ऑफ यूनाइटेड किंगडम्स। नेपाल दुनिया भर में अपने खूंखार गोरखा सैनिकों के लिए भी प्रसिद्ध है। वो गोरखा सैनिक जिनका मूल सिद्धांत है कि डरपोक होने से लाख बेहतर है कि मर जाना। भारत की आजादी के समय ब्रिटेन की आर्मी गोरखा की बहादुरी से इतनी प्रभावित हुई कि वो अपने साथ बहुत सारे गोरखास को ब्रिटेन ही ले गई। आज ब्रिटेन की आर्मी में इन गोरखास की संख्या 4000 से भी ज्यादा है। यही नहीं, इनकी बहादुरी का भारत भी कायल है, तभी तो इस फोर्स की 7 रेजिमेंट्स और 40 बटालियन इंडियन आर्मी में कार्यरत हैं, और करीब 40,000 से ज्यादा गोरखा भारत की रक्षा करते हैं। दोस्तों, गोरखा केवल अपनी बहादुरी ही नहीं बल्कि अपने जानलेवा हथियार खुकरी के लिए भी प्रसिद्ध हैं। एक धारदार चाकू जो आज इनकी शान है, जिसे इस फौज ने पहले और दूसरे विश्व युद्ध में इस्तेमाल कर लाखों दुश्मन ढेर कर दिए। गोरखास के बारे में ये कहा जाता है कि इस फौज का एक अकेला जवान दुश्मन के 50 सैनिकों के बराबर होता है, जो बंदूक और खुकरी के साथ साथ अपने बाजुओं को भी अपने हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। नंबर 9, द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्लेसेस रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनेस्को। नेपाल दुनिया का वो देश है जहां सबसे ज्यादा विश्व धरोहर देखने को मिलती है। नेपाल की राजधानी काठमांडू में मौजूद 7 ऐसे स्मारक हैं जिन्हें यूनेस्को ने चिन्हित किया और इन्हें विश्व धरोहर का दर्जा दिया है। पशुपतिनाथ मंदिर, आदित्यनाथ मंदिर, बौद्धनाथ स्तूप और बाघ भैरव, प्राचीन काल में बने ऐसे 7 मंदिर अपनी बेजोड़ ढांचे के दम पर यूनेस्को की विश्व धरोहर लिस्ट में आते हैं। कमाल की बात तो ये है कि ये 7 धरोहर मात्र 15 किलोमीटर की इलाके में मौजूद हैं। यही नहीं, नेपाल में 4 और भी ऐसे जगह हैं जो वर्ल्ड हेरिटेज का हिस्सा हैं। इस तरह नेपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां छोटी सी जगह में सबसे ज्यादा विश्व धरोहर मौजूद है। नंबर 8, द लेजेंड ऑफ येटी द अबोमिनेबल स्नोमैन। आप सबने माउंट एवरेस्ट से जुड़े कई तथ्य सुने होंगे, लेकिन येटी के बारे में शायद ही सुना होगा।
दोस्तों नेपाल में ये प्रसिद्ध है कि नेपाल की पहाड़ियों में खासकर माउंट एवरेस्ट पर एक दानव रहता है जिसका नाम येट्टी है। नेपाल में ऐसे बहुत से लोग हैं जो येट्टी को अपनी आंखों से देखने का दावा भी करते हैं और ये भी कि उनके पास येट्टी से जुड़े कई सबूत भी मौजूद हैं। इनके मुताबिक येट्टी एक विशालकाय दानव है जो इंसान और विशालकाय बंदर मिलाकर स्वरूप में आया। जो भी इसके सामने आता है वो मारा जाता है। यही कारण है कि आज तक कोई भी इसे खोज नहीं पाया। हालांकि इस दावे को वैज्ञानिक बिरादरी साफ तौर से नकारती है, लेकिन येट्टी के अस्तित्व से खुद एडमंड हेलरी भी प्रभावित थे, एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले पहले व्यक्ति जिनका मानना था कि येट्टी वास्तव में एवरेस्ट पर मौजूद है, जिसे ढूंढ निकालने के लिए हेलरी ने एक अभियान भी चलाया था। नंबर 7, होम ऑफ एंडेंजर्ड एनिमल्स। अफ्रीका की तरह नेपाल एशिया का वो देश है जहां मौजूद कुछ जानवर एंडेंजर्ड हैं, मतलब विलुप्त होने के कगार पर हैं। लेकिन नेपाल का चितवन नेशनल पार्क उन्हें बचाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। स्नो लियोपार्ड, एशियन राइनो, बंगाल टाइगर, रेड पांडा, इलोंगेटेड टॉर्टोस जैसे कुछ जानवर जब अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे थे, तब इनकी मदद को नेपाल का चितवन नेशनल पार्क आगे आया, जिसने इन सभी प्रजातियों का न सिर्फ विलुप्त होने से बचाया बल्कि आज इनकी संख्या को बढ़ाने की हर कोशिश भी नेपाल के इस पार्क में की जा रही है। इन सभी जानवरों को कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है ताकि किसी इलीगल किलिंग का शिकार ना हो सकें। यही नहीं, यहाँ प्रिजर्व किए जाने वाले सभी जानवरों को दुनिया के अन्य देशों में मौजूद जू और नेशनल पार्क्स में भी भेजा जाता है ताकि सभी प्रजातियों को दुनिया के कोने कोने में सुनिश्चित किया जा सके। नंबर 6, हिंदुइज्म, द मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलीजन इन द लैंड ऑफ बुद्धा। दोस्तों आपको ये पता ही होगा कि भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में हुआ था, जो आज बौद्ध धर्म का केंद्र है, जिसके चलते बौद्ध धर्म के अनुयायी दुनिया भर से यहाँ आते हैं। लेकिन इसके बाद भी नेपाल में हिंदू धर्म को मानने वाले सबसे ज्यादा हैं, जिनकी संख्या 80% है, जबकि बौद्ध धर्म यहाँ केवल 10% है। ये आंकड़े बताते हैं कि बौद्ध धर्म का केंद्र होते हुए भी हिंदू मान्यताएं और आचरण नेपालियों के बीच ज्यादा लोकप्रिय है, जिसका असर इतना गहरा हुआ कि नेपाल आज तक एक हिंदू बाहुल देश है। होगा भी क्यों नहीं, एक तरफ जहां मॉडर्न बनने के नाम पर लोग नमस्ते करने की प्रथा को भूलते जा रहे हैं, जहां आज भी अभिवादन करने के लिए लोग एक दूसरे से हाथ जोड़ते हैं। नंबर 5, द नेपाल्स कैपिटल वाज वंस ए लेक। नेपाल के लोगों के मुताबिक हजारों साल पहले नेपाल की राजधानी काठमांडू एक लेक यानी झील हुआ करती थी, जहां पर सांपों का काफी दबदबा हुआ करता था। और फिर एक समय ऐसा आया जब मंजूश्री नाम का एक योद्धा यहां आया और उसने अपनी तलवार से इस झील के दो टुकड़े कर दिए। इस तरह झील का सारा पानी और पानी में मौजूद दोनों बहकर नीचे की ओर चले गए और इस तरह धीरे धीरे काठमांडू स्थापित होता चला गया। वहीं साइंटिफिक थ्योरी भी इस बात को मानती है कि काठमांडू कभी एक झील हुआ करता था, जिसे मंजूश्री ने तो नहीं बल्कि इसकी स्थापना झील का पानी बह जाने से जरूर हुई, जो करीब 15,000 वर्षों में पूरा हुआ। नंबर 4, द ओरिजिनल नेम ऑफ माउंट एवरेस्ट। पहाड़ों का सर्वे करने वाली संस्था रॉयल जियोग्राफिकल सोसाइटी जब पहली बार दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ को चिन्हित किया तो इसका नामांकन अपने एक शोधकर्ता जॉर्ज एवरेस्ट के नाम पर कर दिया और तभी इसका नाम माउंट एवरेस्ट हो गया, जबकि एवरेस्ट का असली नाम सागर माथा है, जो आज भी नेपाल के लोगों के बीच प्रसिद्ध है, जिसका मतलब है स्वर्ग का माथा, अर्थात वो जगह जहाँ से स्वर्ग की शुरुआत होती है। वही तिब्बत के लोगों के बीच इस पहाड़ी का एक विशेष स्थान है जो माउंट एवरेस्ट को कोमलिंगमा कहकर आज भी बुलाते हैं। कोमलिंगमा तिब्बत की स्थानीय भाषा है, जिसका मतलब होता है ब्रह्मांड की देवी। नंबर 3, द डीपेस्ट कैनियन ऑन अर्थ। दोस्तों एक तरफ जहां दुनिया के 8 सबसे ऊंचे पहाड़ नेपाल में मौजूद हैं, जिसकी गहराई 4,375 मीटर है, गंडकी नदी से निकलने वाली ये घाटी दो हिमालय पहाड़ियां अन्नपूर्णा और धूलागिरी को चीर कर बनी है। नंबर 2, द हाईएस्ट माउंटेन्स ऑन अर्थ। ये तो पता चल गया कि नेपाल में दुनिया की 8 सबसे ऊंची चोटियां हैं, लेकिन ये श्रेष्ठ 8 दुनिया के 10 सर्वश्रेष्ठ में ही आ जाते हैं, ये शायद आपको नहीं पता होगा। और इसी के चलते पर्वतीय कार्य क्षेत्र में नेपाल को 8000 भी कहा जाता है। जानते हैं क्यों? वो इसलिए क्योंकि नेपाल में मौजूद इसकी सभी 8 पहाड़ियों की ऊंचाई 8000 फीट से ज्यादा है। जहां एक तरफ माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8848 मीटर है, तो वहीं उसकी सबसे छोटी चोटी अन्नपूर्णा की ऊंचाई 8091 मीटर है, जबकि कंचनजंगा और लाहौत्से की ऊंचाई एवरेस्ट में केवल 300 मीटर का ही अंतर है। नंबर 1,
दोस्तों, पानी को इकट्ठा करने के मामले में तो इस देश ने दुनिया के सभी देशों को पीछा छोड़ दिया। जी हाँ, नेपाल दुनिया का एक ऐसा देश है जो सबसे ज्यादा पानी को कंजर्व करता है। एक रिपोर्ट के अनुसार कहा जाता है कि अगर इस पानी का सही इस्तेमाल किया जाए तो ये देश हाइड्रो इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करने वाला सबसे बड़ा देश बन सकता है। लेकिन अफसोस कि नेपाल का शासन चलाने वालों को कभी ये बात समझ ही नहीं आई और उन्होंने इस पर कभी ध्यान ही नहीं दिया।